हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके गाइडेंस। इस चैनल पे आपको सारी जानकारी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। एंड अगर आप चाहते हो कि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलते रहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ से आई है। टोटल पोस्ट है 2492 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। और पोस्ट किस पोस्ट के लिए आई है? ग्रामीण डाक सेवक के लिए। ओके, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको ऑनलाइन सेंड करना होगा। अभी हम देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी अलॉट की गई है। देखिए, बिलासपुर के लिए 209, दुर्ग के लिए 623, रायगढ़ के लिए 253, रायपुर के लिए 277, बस्तर के लिए 1101, आरपी के लिए 29। एंड कैटेगरी वाइज भी रिजर्व की गई है सीट्स, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1201 है, ओबीसी के लिए 127, एससी के लिए 289, एसटी के लिए 776, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 25 पोस्ट है, एंड फिजिकली हैंडीकैप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए 74 पोस्ट है। ओके, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर आपने 10th पास किया हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल है पोस्ट के लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट क्या है? मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 40 ईयर है इसकी एज। ओके, और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल जो होता है एस सी एस टी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, वो सेम लागू होगा। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये आपको भरने होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं एस सी एस टी वुमेन पी एच, उनके लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होगा? मेरिट लिस्ट पे होगा। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इसका। आपका कोई रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट पे होगा। मीन्स जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो आपका 10th का मार्कशीट है, उस पर आपका कितना परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, ईजी है, आई थिंक अच्छा प्रोसेस है। देखिए, आप कैसे अप्लाई करेंगे इसे? इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको रजिस्टर करना होगा पहले, देन सारे आपके जो डिटेल्स है वो फिलअप करके, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके, फीस अगर आपको भरनी है तो वो भर के प्रिंट आउट लेना है आपका। ठीक है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ डिटेल में। इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। ये 20 सितंबर से चालू हो चुका है फॉर्म भरना, आप भरना स्टार्ट कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2017, 30 दिन का टाइम है। 20 सितंबर से चालू हुआ है, 20 अक्टूबर तक का लास्ट डेट है। तो उससे पहले आप जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट इसके लिए भर दीजिए। ओके, देखिए अभी मैंने आपको हाउ टू अप्लाई दिया है यहाँ पे, आप इसके ऊपर जाओगे जैसे ही, मैं आपको देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। छत्तीसगढ़ 2492 जो दिया है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस पर आपको डिटेल मिल जाएगी इस पोस्ट के बारे में कि कैसे करना है। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन उसके बाद में आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये देखिए इसका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द रिस्पेक्टिव अपॉइंटिंग अथॉरिटी शोन इन द नेक्स्ट ईयर भी ग्राम तक से, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है। एज क्वालिफिकेशन देखिए, कंप्यूटर नॉलेज इसमें होना चाहिए, आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग की होगी एटलीस्ट 60 डे का, या फिर अगर आपने 10th या 12th में अपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट एक पास किया है तो भी इनफ है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा उनका, वो सब दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे? देखिए, आपको एसएससी का मार्कशीट लगेगा, देन कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास अगर है, वो नॉट मैंडेटरी है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, अगर है तो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन मैंडेटरी में यहाँ पे आपके पास एसएससी का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको अपलोड करना है। आपका जो फाइल होगा वो 200 KB तक का होगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फ़ोटो सिग्नेचर, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब को अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं उन्होंने कि कौन सा कैसे करना है, और यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए आपके एरिया के हिसाब से एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना एरिया, सर्कल कौन सा रहेगा। ये जॉब लोकेशन आपको छत्तीसगढ़ में रहेगा फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब लोकेशन आपका छत्तीसगढ़ में ही होगा। ओके, ये देखिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपको ये फिलअप करना है, आपका एप्लीकेंट नेम डालना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी,
ये सब सेलेक्ट करना है आपको। देन उसके बाद में सर्कल आपको सेलेक्ट करना है कि आपने टेंथ कहाँ से पास किया है, जहाँ से भी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, जहाँ से भी आपने किया है, सपोज़ महाराष्ट्र। देन उसके बाद में बोर्ड कौन सा है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए, कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 700, कौन सा ईयर्स है। देन आपका जो 10th पे सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डालिए, ये कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये आप सबमिट कर दोगे, देन उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका और लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। देन उसके बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। देखिए वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, देन उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद में देखिए रजिस्ट्रेशन का डिटेल कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपको आपका जो फॉर्म है उसमें सब यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, सर्कल खुद से सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, बिहार की, छत्तीसगढ़, क्योंकि दोनों जगह वैकेंसी आई है, बिहार में भी निकली है पोस्ट ऑफिस के लिए और छत्तीसगढ़ में भी निकली है। छत्तीसगढ़ आपको सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म में सारा डिटेल भरिए, देन डॉक्यूमेंट जो है आपके वो अपलोड कीजिए एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिए। ओके, बस ये सिंपल प्रोसेस है। मैं इसका जो लिंक है डायरेक्ट अप्लाई करने का ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी पोस्ट निकली है, वैकेंसी काफ़ी है और 10th पास कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। पे स्केल भी काफ़ी अच्छी है इसकी, 5200 टू 20200 कुछ है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो सिलेक्शन है इसका ये उस बेसिस पे होगा, कोई एग्जाम्स नहीं होंगे, मेरिट लिस्ट पे होगा, तो आई थिंक बहुत अच्छा प्रोसेस है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड और एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई कीजिए इस पोस्ट के लिए, और अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट।